तरफ धूर्त गोरे झांसी को अड़पने के ताक पर और दूसरी तरफ उनके अपने ही आस्तीन में छिपकर डसने के लिए तैयार बैठे। ऐसे में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता भोपट का, लेकिन महाराज का यह लगन इन धूर्त फिरंगियों की चाल को विफल कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि महाराज का विवाह शीघ्र संपन्न। श्रीमन विवाह इस महती उद्देश्य के लिए ये तुच्छ ब्राह्मण एक ऐसी कन्या ढूंढ निकालेगा जिसका हर लक्षण महाराज के शत्रुओं का भक्षण कर देगा। श्रीमन सरकार, झांसी से समाचार आया है। क्या हुआ? गंगाधर राव पर किसी फिरंगी ने जानलेवा हमला किया है। और एक दुखद समाचार, ईश्वर उनकी रक्षा करे। झांसी में अवश्य कोई गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। झांसी? बाबा, ये झांसी कहाँ है? अचानक झांसी की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? ओ बाबा, आप और अजबा वहाँ की बात कर रहे थे ना, तो मैंने सुन लिया इसलिए। झांसी कानपुर के दक्षिण में कुछ 50 कोस दूर होगी। वहाँ की स्थिति बड़ी चिंताजनक है। वहाँ के राजा रघुनाथ राव के देहांत के बाद रातों रात चार चार दावेदार पैदा हो गए। दावेदार? उनमें तो एक उन्हीं की विधवा जानकी बाई है, एक ऐसी माँ जिसकी कोई संतान नहीं। आपका तात्पर्य दत्तक पुत्र से? Of course, Your Excellency. आपको बासक adopted son. I mean, दत्तक पुत्र लेना होगा, जिसे हमारी गवर्नमेंट लीगली अप्रूव्ड करेगी। छी, गद्दी पाने के लिए एक अंग्रेज को रिश्वत दे रही थी। कितनी बुरी है ना बाबा? ये तो कुछ भी नहीं बेटे। सकू भाई तो इससे भी चार कदम आगे थी। सकू भाई? हाँ, बड़ी ही दुष्ट औरत है। सत्ता की लालच में अपने सगे बेटे की हत्या करने के लिए उसने जो जतन किए हैं वो सुन के आत्मा कांप जाती है। अंततः उसने मार भी दिया उसे। इसीलिए तो गंगाधर राव को झांसी छोड़कर भागना पड़ा। क्या इतने डरपोक थे झांसी के राजा? नहीं नहीं बेटे, ऐसे पलायन तो राजनीति का एक भाग होते हैं, अन्यथा गंगाधर राव आज झांसी की राजगद्दी पर बैठे दिखाई नहीं देते। लेकिन बाबा, जब सकूबाई के डर से उन्हें भागना पड़ा तो अब वो गद्दी पर कैसे बैठे हैं? क्या सकूबाई चुप हो गई? नहीं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है। कैद कर ली गई, पहरे में रखी गई। हाँ, मगर अंग्रेज सभी को आश्वासन दे रहे थे कि झांसी की राजगद्दी हम आप ही को सौंपेंगे। सबको? जानकी बाई, कृष्णराव, सकूबाई के साथ साथ लच्छो और अली बहादुर भी। अली बहादुर? हाँ। अली बहादुर गंगाधर राव का शत्रु क्यों बन गया? इसका कारण है लच्छो। लच्छो? ये तो मुझसे पूछ रहा है कि मैंने क्या किया। तो किससे पूछो अम्मी जान? आपके भाई बंधुओं से, जो कलमा पढ़ने के बावजूद मुझे मुसलमान नहीं काफिर समझते हैं। या फिर इससे, जिसका सारा खानदान जानते हुए कि मैं इसका बेटा हूं, मुझे हिंदू नहीं मुसलमान समझता है। एक वेश्या की औलाद, क्या पहचान है मेरी? पहचान? तुम झांसी के राजा रघुनाथ राव के बेटे हो, बस यही है तुम्हारी पहचान। अब देखती जाइए अम्मी जान, आपका ये अली बहादुर अब क्या क्या खेल दिखाता है। अरे गंगाधर राव को तो पता भी नहीं चलेगा, और उसके पांव तले जमीन तो क्या झांसी खिसक जाएगी। फिर झांसी का क्या होगा पापा? बेटे, वहां की परिस्थिति बड़ी चिंताजनक है। गंगाधर राव के विरुद्ध षड्यंत्र का एक जाल रचा है झांसी में। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि उनका सबसे बड़ा शत्रु कौन है।